सोशल मीडिया के जमाने में ना मानो लोगों से मिलने का मजा जो है कहीं गुम हो गया है। बस लोग ना फोन पे ही हाय हेलो, वीडियो कॉलिंग, वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस भेज भेज कर ही हाय हेलो कर लेते, मजा ही नहीं आता। ना जाने कहाँ गए वो दिन जब आप एक पूरा दिन अपने दोस्तों और यारों के साथ बिताते थे। ऐसे माने या ना माने, मजा तो आज भी पूरा दिन बिताने में ही है। तो चलिए ना कर लेते हैं डे आउट भाई पलक के साथ, यानी कि गुड्डन में वो जो उनकी बेटी बनती है अलीशा, उनके साथ। मॉर्निंग। सो आज आप पलक जैन के साथ हैं, अलीशा के साथ तो रोज होते हैं ना। सो आपने मुझे देखा होगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं एज एन अलीशा। तो आज आप जानेंगे पलक जैन का डेली रूटीन, वो क्या क्या करती है। ये कुछ है अच्छा सा। सो ये हमारे प्यारे से प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, शायद मनी प्लांट है आई गेस। ये छोटा सा हमारा प्यारा सा कॉर्नर है जहाँ मैं दाल चावल बना के खाती हूँ, कॉफ़ी पी लेट्स गो। कम कम वेलकम। ये पलक का रूम है जहाँ पलक रहती है, मज़े करती है। सभी कम टाइम मिल पाता है बट हाँ रात को सोती हूँ, सिर्फ सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ और सो जाती हूँ। ये मेरी फैमिली है, मुझे घर की बहुत याद आती है हमेशा ही। दिस इज़ जैन मंत्र, नमोकार मंत्र, विश्व शांति महामंत्र। सो ये मेरे ताऊजी ने मुझे दिया था कि इसको हमेशा अपने पास रखना। नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवझायाड़म, नमो लोई सविसाहुड़म। इसका मतलब है कि हम पांचों परमेष्टी को जो पूरे यूनिवर्स में हैं उसको नमस्कार करते हैं। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मेरे को चैन से बैठा ही नहीं जाता है। मैं स्क्रैप बुक लेकर आई हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी। ये मेरे एक्टिंग के नोट्स हैं, पता है मैं एक्टिंग पढ़ कर आई हूँ। सी मेरा लैपटॉप है जिसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरी मम्मा हमेशा मेकअप का और ये सब गिफ्ट करती हैं, वो मुझे ना बहुत अच्छे से जानती हैं। और लैपटॉप मेरे पापा ने गिफ्ट किया था जब मैं 10th क्लास में अच्छे अच्छे मार्क्स लाई थी। तो मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी रही हूँ और मैंने अपना कॉलेज में भी टॉप किया था गलती से। हाँ कुछ कुछ तो ठीक ठाक है। सो मेरी कुछ ड्रेसेस यहाँ हैं, कुछ ड्रेसेस दी के घर पर हैं। सो ये देखिए मैं कितना कलरफुल पहनती हूँ। ग्रीन, स्काई ब्लू, पिंक, ब्लैक, वाइट। ये भी गिफ्टेड है। सबके घर का कबर्ड का हाल है, सारी लड़कियों का यही हाल है। सो ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। ये मैंने बैंड्रा से लिया था। तो ये मैंने मिस टीवा में पार्टिसिपेट किया था। मैं तीन राउंड्स तक गई थी
फोर्थ में मुझे बाहर कर दिया था बट ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का. दिस इज़ प्योरीफाइंग नरिशर. ये भी मेरी मम्मी ने सिखाया है मेकअप वाला काम. क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ये मैं डेली यूज़ करती हूँ. एसेंशियल ऑयल्स, आई लव एसेंशियल ऑयल. मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं ज़रूर खरीदती. एक मेरे पास जैस्मिन का भी है शायद. सो ये है टी ट्री ऑयल एंड विटामिन सी. एंड ये है, ये स्किन ग्लो के लिए है बेसिकली. बहुत सारे इयररिंग्स हैं. मैं कभी भी शॉपिंग करती हूँ मैं इयररिंग्स के बिना नहीं रुकती हूँ. तो आई हैव सो मेनी इयररिंग्स. सी, बहुत शौक है मुझे इयररिंग्स का. पूजा दीदी, ये है पायल दीदी. ये दोनों ना मम्मी पापा है मेरे, कह सकते हैं मम्मी पापा है मेरे. ये मेरे खाने पीने का ख्याल रखती हैं, ये मेरा अकाउंट में पैसे डलाती रहती हैं. मम्मी का प्यार है जो इटावा से यहाँ आया हुआ है मुंबई. मैं म्यूसली लेकर जाती हूँ, बहुत हेल्दी होती है. और ये तो आई लव खट्टा मीठा, इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं होता. मैं ये खाती हूँ, पानी पीती हूँ तब मुझे एनर्जी आती है. और देखिए मेरी मम्मा ने ना बहुत सारी चीज़ें भेजी हुई है. सी, नमकीन आप खाएंगे? साखे, नमकीन साखे. मैंने खुद से बनाया है जो मैंने कल खोला था थोड़ा सा. और ये मैं छोटे से बॉक्स में लेके जा रही हूँ. ये बहुत ही यम्मी होता है. दिस इज़ वेरी हेल्दी प्रोटीन शेक. सो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे. सो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा अच्छा नरिश नरिश लगता है. सो अब हम ग्रीन टी बनाएंगे. सो वी विल स्टार्ट विद ग्रीन टी. हेलो मम्मा, गुड मॉर्निंग. ये पापा कहाँ है? ओ पापा भी है. हेलो पापा जी, गुड मॉर्निंग. हम लोग सास बहू और साजिश के कितने सारे व्यूअर्स से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. ये पलक की मम्मा पापा. ब्रेकफास्ट में जनरली मैं ब्रेड बटर खाती हूँ क्योंकि वो सबसे इजीली बन जाता है. और आज आज मेरी दी मेरे लिए कचौड़ी और जलेबी लेकर आई थी. ये मेरा फेवरेट स्टफ है, प्याज का कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी एंड जलेबी. ये मुझे बहुत पसंद है. बचपन से ही डांस का बहुत शौक़ था. मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी, एक्टिंग में भी आना था. तो मैं जब मुंबई आई तो मुझे सबने बोला कि ऑडिशंस दो, ऑडिशन से ही होता है सब कुछ जो होता है. और भी बहुत सारे लोगों ने मिथ बताए बट मैंने वो सब नहीं सुने. सो मैंने ऑडिशन दिए तो मैंने ये ऑडिशन चैनल को भेजा था, एक कास्टिंग है हमारे उनको भेजा था, घर से बनाकर भेजा था, शायद यूट्यूब पर है अभी. तो मैं जब मुंबई में थी अभी 25 सितंबर, मुझे कॉल आया कि मैम आपका ऑडिशन बहुत अच्छा है, आप एक बार ना मॉक टेस्ट के लिए आ जाइए. तो
तो मैंने सोचा मॉक टेस्ट ओके, सो मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मैंने अभी तक मॉक टेस्ट कभी दिया नहीं था. सो मैंने गुड्डन और एजे के साथ मॉक टेस्ट दिया, छोटा सा सीन था हमने किया, मैं पहली बार मिली उनसे. बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि डेली सोप के एक्टर्स से एकदम लाइक आप जिनको टीवी पे देखते हो उनके साथ आप परफॉर्म कर रहे हो. नर्वस हो रही थी बहुत. फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि मैम एक लुक टेस्ट कर लेते हैं. मैंने कहा ओके. फिर मैं गई स्टूडियो, मैंने लुक टेस्ट किया. देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बस सोकर उठी तो मेरे फ़ोन में दो तीन मिस कॉल से अननोन नंबर से. मैंने उनको कॉल बैक किया तो ही सेड कि मैम आपका कल से शूट है, यू आर लॉग्ड. मैंने कहा ओके. मैंने कहा ओके ये कैरेक्टर है ये. उन्होंने सारा ब्रीफ दिया मुझे एंड आई वॉज लाइक बहुत जल्दी जल्दी में हुआ सब ये जो मुझे अभी गुड्डन पहला शो मिला है. इन दोनों बहनों से तो मिल लिए, ये मुझसे कितना प्यार करते हैं सब जान लिया. नाउ कमिंग टू द सिंगर ऑफ आवर फैमिली, ही इज माय जीजू भैया और मैं, ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं एक्चुअली. हाँ ये तो मेरा चलता रहता है. या मतलब इट्स हार्ड टू इग्नोर पलक, यू नो शी कैन बी वेरी परसुएसिव एट टाइम्स, सो इट्स रियली हार्ड टू इग्नोर हर. बट आई डोंट नो इफ योर यू नो फैंस नो दैट यू आर वेरी मेसी. ये चीजें बहुत फैलाती है, लोगों को बहुत परेशान करती है. बट अगेन यू नो दैट्स अमेजिंग, आई एम अमेजिंग एट द एंड ऑफ द डे. सबके लिए कुछ गाऊंगी मैं. I love you. चलो बाय बाय. अब हम कब मिलेंगे? अब हम स्क्रीन पे मिलेंगे विद अलीशा, अलीशा आंत्रा जिंदल. यो ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.